ओके तो भाई क्या ब्रामा बुल दी रॉक आने वाले अगले स्मैकडाउन को ऊपर, साथ ही साथ भाई डीन एम्ब्रोस का क्या सच में सबसे बड़ा हमें रेसलिंग वर्ल्ड का हिल्टन देखने को मिल चुका है। इसके अलावा रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले अगले स्मैकडाउन को ऊपर, साथ ही साथ भाई बहुत सारे और भी टॉपिक के बारे में बात करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं जिला फाटू के बारे में। तो भाई जिला फाटू कल ही अपना चैंपियंस वर्ल्ड को फिर से डिफेंस किए थे। आप लोग देख सकते हैं जिला फाटू के पूरे बॉडी के ऊपर स्क्रैचेज बहुत सारे आ चुके हैं। जिला फाटू ने भाई अपने चैंपियंस वर्ल्ड को सक्सेसफुली करंट टाइम में डिफेंस उन्होंने कर लिया है। तो अभी फिलहाल जब तक चैंपियन रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इनका आने का कोई भी सीन बनेगा नहीं। साथ ही साथ भाई इनका नेक्स्ट जो टाइटल डिफेंस होने वाला है इसी मंथ का 14 तारीख को होने वाला है। साथ ही साथ भाई जिला फाटू ने जेका फाटू के साथ भी एक वीडियो डाला, आप लोग यहां पर देख सकते हो उसका फोटो। बेसिकली भाई ये सारे भाई एक ही घर के, पूरा एक फैमिली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को करंट टाइम में चला रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर का पूरा 504 दिन का जो टाइटल रन था उसमें सिर्फ 16 बार टाइटल डिफेंस किए। और अगर आपको नहीं पता तो इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और बाद में जाकर रोमन रेंस 2018 के समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर का टाइटल रेन एंड किया। नेक्स्ट बात करते हैं जेका फाटू के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया.com वाले ने जेका फाटू के बारे में क्या लिखा आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक मेजर फ्यूचर का डिसीजन ले चुके हैं जेका फाटू को लेकर, और साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट निकलकर सामने आया डब्ल्यू वाले का जो फ्यूचर प्लान है जेका फाटू को लेकर उनको कोडी रोड्स के अगेंस्ट उतारना या फिर रोमन रेंस के अगेंस्ट उतारना है। तो भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, कल का स्मैकडाउन जो खत्म हुआ उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जेका फाटू के बारे में मतलब बात होना बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है। और अभी करेंट टाइम डब्ल्यू वाले फर्स्ट प्रायोरिटी पर सोलो सिकॉ को रख रही है, मतलब सोलो सिकॉ को सबसे ज्यादा पुश कर रही है। डब्ल्यू वाले भाई इस प्लान को मे बी चेंज भी कर सकते हैं। डब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा हीरो साइज है जेका फाटू को भी बना सकती है, क्योंकि भाई सोलो सिकॉ ने जो चीज 2 साल के अंदर अचीव किया जेका फाटू सिर्फ 2 महीना के अंदर अचीव कर चुके हैं। फैंस का भाई सपोर्ट करेंट टाइम जेका फाटू को मतलब बहुत तगड़ा मिल रहा है। तो डब्ल्यू वाले जेका फाटू के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी सोच सकती है। देखते हैं भाई क्या होता है, अगर जेका फाटू अगर सोलो सिकॉ से अलग भी होते हैं तो मेरे ख्याल से भाई जेका फाटू एक बेफेस रेसलर ही रहने वाले। और उसके पीछे का रीजन है कि भाई जेका फाटू मतलब एक ऐसे रेसलर बन चुके जिसको फैंस करंट टाइम पसंद कर रहे हैं हील होते हुए। तो मेरे ख्याल से भाई जो रेसलर हील होता है उसके बाद फैंस उसको पसंद करता है तो रेसलर बेफेस टर्न अपना कर लेता है। वैसे मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, आपको हर एक स्मैकडाउन के ऊपर कुछ न कुछ आपको जेका फाटू की तरफ से ऐसा ही आपको हिंट जरूर से आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी भाई जेका फाटू हमें 10 बार हिंट दे चुके हैं, मतलब सोलो सिकॉ भी अपने तरफ से हिंट दे चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जेका फाटू जब टाइटल विन करते तो सोलो सिकॉ उनका टाइटल टांगा लुआ को दे देते हैं। उसके बाद फिर जेका फाटू को मौका मिलता कोडी रोड्स के अगेंस्ट, कोडी रोड्स खुद कहते हैं भाई आजा मेरे से मैच ले, यहाँ पर भी अगेन जेका फाटू को सोलो सिकॉ पीछे कर देते हैं। ये जो जुल्म हो रहा है जेका फाटू के साथ ये सारे फैंस करंट टाइम में देख रहे हो, फैंस इसलिए जेका फाटू के लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं। ऊपर से भाई हमें कल का स्मैकडाउन के ऊपर ये फोटो भी देखने को मिला जहाँ जेका फाटू उला फाला माला को देख रहे थे। आप लोग बस वेट करो थोड़ा सा, आप बिलीव करो आपको बहुत मजा आने वाला है भाई। आप लोग 3 से 4 साल बस वेट करो, स्टोरी लाइन कहाँ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं सही बता रहा हूँ, अभी से स्टोरी लाइन को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 से 3 से 4 मंथ सिर्फ हुआ है, और 2 से 3 साल बाद ऐसा हाल हो जाएगा जब आप लोग रोमन रेंस के बजाय आप लोग सोलो सिकॉ को स्मैकडाउन के ऊपर देखना ज्यादा पसंद करोगे। वैसे एक बड़ा स्टार क्या होता है ये हमें अभी करेंट टाइम में फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। कोडी रोड्स चैंपियन होते हुए अभी सोलो सिकॉ के साथ स्टोरी लाइन में कम्पीट कर रहे, तब कोडी रोड्स हमें देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आप लोग ये समझो सोलो सिकॉ वर्सेस कोडी रोड्स का नेक्स्ट वीक जो मैच हो रहा है ये मतलब इन दोनों का मैच हो रहा है, तब हम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यही मैच कोडी रोड्स का किसी नॉर्मल रेसलर के साथ होता तो मतलब हम लोग इंटरेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं दिखाते। वैसे इस मैच के अंदर क्या होने वाला मैं आपको आगे का मसाला मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस ने इस बात को बोला कि मुझे पीजी एरा वाला मतलब मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा पसंद है। डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई जब नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगी तो मेरे ख्याल से आपको पीजी एरा ही आपको देखने को मिलेगा, लोग इसे एंजॉय करने वाला, आगे मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई आप लोग देख सकते हैं रेसलमेनिया.com वाले जैसे ने भाई एडवर्टाइज किया नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर आपको रोमन रेंस देखने को मिलेगा। तो आप लोग 100 में से 99% इस बात को कंफर्म मान लो, आपको रोमन रेंस देखने को मिलेंगे अगले स्मैकडाउन के ऊपर। साथ ही साथ भाई रॉक के बारे में ये रूमर निकल कर सामने आया कि 1 से 2 मंथ के अंदर आपको रॉक फिर से आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं रॉक का चांसेस भाई सिर्फ 2 तारीख को बन रहा है, 2 सिर्फ डेट को बन रहा है। सबसे पहले भाई आपको अगले स्मैकडाउन के ऊपर आपको रॉक देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको रॉक देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ यही 2 डेट है 2024 के अंदर जहां भाई रॉक का आना बनता है, रॉक का यहां पर मतलब बनता है आना। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में। तो भाई बहुत बुरा हुआ है डैनियल ब्रायन के साथ, इनके सारे दोस्त धोखेबाज निकले। आज के शो के ऊपर हुआ क्या है भाई, सिजारो और डीन एम्ब्रोस दोनों हिल्टन कर लिए डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट। डैनियल ब्रायन के भाई पूरा फेस पर प्लास्टिक भाई बांध दिए डीन एम्ब्रोस, मतलब उनको नॉकआउट करके वहीं पर गिरा दिए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो एक्जेक्टली यही चीज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी देखने को मिल चुका आज के काफी टाइम पहले। पर हाँ डैनियल ब्रायन वाला काफी खतरनाक था भाई, डैनियल ब्रायन को उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर लगाकर ऑक्सीजन मास्क वहां से ले जाया गया। तो भाई फाइनली डीन एम्ब्रोस का हिल्टन हो चुका, दैट इज वेरी कंफर्म, अब डीन एम्ब्रोस सीधे टाइटल की तरफ जाने वाले। साथ ही साथ भाई एडब्ल्यू वाले भाई वीकली शो के ऊपर ऐसा ऐसा मैच दिखाते मैं आपको दिखा नहीं सकता भाई, कितना खतरनाक होता है। मेन छोड़ो भाई वुमेन्स रेसलर इतना खतरनाक वीकली शो के ऊपर मैच रेसल करती आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर पीजी एरा की तरफ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जाए तो भाई
उनको ज्यादा प्रॉब्लम कुछ होने नहीं वाला है। वैसे डीन एम्ब्रोस जब वहां से मारकर जा रहे थे तो क्रिश्चियन केज भी सामने से आए थे अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। जिस तरीके से मनी इन द बैंक होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर उन्होंने भाई शायद से कैसे नहीं किया, मैं उतना देखा नहीं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई नेक्स्ट वीक स्टील केज मैच के अंदर क्या होने वाला है, इसको लेकर भाई प्रेडिक्शन आया है, और मुझे नहीं पता भाई ये सुनने में कितना सही होगा, पर हाँ आपको मजा नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। तो इन्होंने ये बताया अगला वीक जब मैच चल रहा होगा तो मैच के बीच में पॉल हेमन आ जाएंगे अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और पॉल हेमन जब नया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आएंगे तो सोलो सिको कोडी रोड्स के बीच में सिंगल मैच हो रहा है, वो मैच ट्रिपल थ्रेड मैच में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पर भी रोमन रेंस सोलो सिको को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बन जाएंगे। जब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाएंगे, जब रोमन रेंस सेलिब्रेट कर रहे होंगे तभी हमें रॉक देखने को मिलेंगे, और फिर हमें रॉक और मतलब रोमन रेंस का हमें फेस ऑफ देखने को मिलेगा। तो भाई ये देखने में भाई सुनने में मतलब कितना कूल लग रहा है भाई, आप लोग देख सकते हो, पर हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होने वाला भाई, डब्ल्यू वाले इतना हमें नहीं देने वाले। हाँ भाई रोमन रेंस तो भाई अगले वीक ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, पर हाँ रॉक का भी आने का काफी हाई चांसेस बताया जा रहा है। किस तरीके से एग्जैक्टली ये चीज होने वाला है हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। वैसे कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा कोडी रोड्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और आप लोग भाई अमेरिकन न्यूज चैनल का आप लोग यहाँ पर बहुत सारे कमेंट देख सकते हो जो उन्होंने पब्लिश किया। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है उसको 39 मिलियन लोगों ने स्ट्रीम करके सुना है। मुझे नहीं पता भाई ये म्यूजिक एंट्रेंस को भाई लोग इतना क्यों सुनते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिकी सी के बारे में। तो भाई रिकी सी ने भाई बहुत सारा अपना स्टेटमेंट दिया, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने उसोस के बारे में ये बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये अच्छा डिसीजन होगा ब्लड लाइन को फिर से बनाना और रोमन रेंस के साथ फिर से उसोस को जोड़ना। बेसिकली भाई ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई उनको पता चल चुका उसोस भाई अकेले कमाल नहीं कर सकते, रोमन रेंस के साथ होकर ही कमाल कर सकते। साथ ही साथ इन्होंने जिमी उसो के बारे में ये बोला कि जिमी उसो बहुत टाइम से बिल्कुल मतलब मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी डब्ल्यू वाले इनको अपने पास नहीं बुला रहे, स्टोरी लाइन के अंदर नहीं यूज करे, जो कि बहुत गलत कर रही है। तो मेरे ख्याल से भाई रिकी से कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह चुके हैं, उनको थोड़ा सा जमीन पर आना चाहिए। रोमन रेंस यूं रेसलर भाई जो कि इनके तीनों भाइयों को अच्छे से बिल्डअप किया, नहीं तो भाई किसी काम के आज के 4 साल पहले नहीं थे। आपका ऑलरेडी एक बेटा सोलो सिकोवा करंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेन स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है। आपका एक बेटा जे उसो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर उसके बावजूद भी आप उनके बारे में बहुत सारा हेट स्पीच देते हो। मेरे ख्याल से उनको समझना चाहिए, ऐसा मेरे ख्याल से मैं पहली बार देखा हूं 3-3 रेसलर को डब्ल्यू वाले इतने अच्छे से बुक कर रही है। और आप समझो आज के 4 साल पहले अगर रोमन रेंस नहीं थे तो भाई उसोस का कोई वैल्यू भी नहीं था, उनको डब्ल्यू वाले निकाल भी देती कंपनी से शायद से। वैसे आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पर पढ़ भी सकते हो जिमी उसो के बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। सिंपल उन्होंने यही बोला है जिमी उसो को डब्ल्यू वाले क्यों नहीं बुला रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बारे में। तो भाई इनके बारे में ये बताया जा रहा है 2024 से पहले इनका ब्रेकअप हमें देखने को मिल सकता है, मतलब 2024 एंड होने से पहले मैं बोलना चाहता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलो सिकोवा के बारे में। तो भाई प्रो रेसलिंग ने एक कंडीशन रखने को कहा है सोलो सिकोवा कोडी रोड्स के मैच के अंदर। उन्होंने ये बोला है कि अगर सोलो सिकोवा इस मैच के अंदर हार जाएंगे तो कंडीशन ये रखना चाहिए कोडी रोड्स को वापस वो कभी चैलेंज न करे। तो भाई तो खुद बताओ अगर कोडी रोड्स को भाई अगर ब्लड लाइन वाले चैलेंज नहीं करेंगे तो भाई फिर कौन चैलेंज करेगा। ये ब्लड लाइन के साथ जब काम करते तभी हमें कोडी रोड्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिलते हैं। वैसे भाई ब्रेट हार्ट करेंट में कितने बुढ़े हो चुके हैं आप लोग भाई यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं। और अगले वीक ब्रेट हार्ट क्या करने वाला अगर आपको ये जाना तो भाई ब्रेट हार्ट को गुंथर के साथ डाला जाएगा सेगमेंट के अंदर, और यही करेंट में रिपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको एग्जैक्टली यही चीज देखने को मिलेगी। वैसे नेक्स्ट भाई सेड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में बात करें तो भाई इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। और ये सब रेसलर के पास भाई ज्यादा ऑप्शन होता भी नहीं क्योंकि भाई ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ दे कोई और कंपनी इनको साइन ही ना करे। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं एमवीपी के बारे में। तो भाई एमवीपी अपना टीम फिर से फॉर्म करने वाले हैं। एमवीपी रिसेंट टाइम इस बात को कंफर्म किए कि उनका जो हर्ट बिजनेस जो फ्रैक्शन है जो कि टूट चुका आज करने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, वो सारे लोग बाहर हो चुके हैं, तो उनको लेकर एक नया टीम बनाएंगे और बहुत जल्द अपना रिटर्न भी वो करने वाले हैं। तो पता नहीं भाई एमवीपी इस मतलब हर्ट बिजनेस को लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों है। बाकी मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, जहां जाना है तुमको वहां जाओ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने का कोई चांसेस नहीं है। वैसे विंस मैकमैन के बारे में ये पता चला इनका जो डॉक्यूमेंट्री है उसका एंडिंग क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ही नहीं पता और विंस मैकमैन को भी नहीं पता। वैसे आज के वीडियो का हम लोग अंत करते हैं भाई रैंडी ऑर्टन के माल को देखकर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही था।